प्रणाम, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। मैं रीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सवेरे के बज चुके हैं 5 और बारिश काफ़ी ही ज़्यादा हो रही है। तो आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि स्कूल पे कॉल किया गया कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, स्कूल खुला है कि बंद है। तो स्कूल बंद था, वैसे स्कूल खुला था लेकिन गाड़ी नहीं आई बच्चों की। तो अपना वीडियो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। सपना बड़ा देख पर याद रख कि सपना सिर्फ तेरा है। सपना बड़ा देख पर याद रख कि सपना सिर्फ तेरा है। लोगों से उम्मीद न कर, तेरी जिद ही जीतने के लिए काफ़ी है और तेरा अकेलापन ही तेरा साथी है। सिर्फ 4 पंक्तियों में कही गई ये बात कितनी ही ज़्यादा प्रेरणा देती है हमको। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ब्लॉग। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीता आपका अपने वीडियो ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ आप सबकी दुआओं से। और शुरू करते हैं आज का वीडियो ब्लॉग। तो आज सवेरे से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो मैं भी नहा धो ली। और उसके बाद नहाने वहाने के बाद मैंने भी क्या बोलते हैं भगवान की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद इधर मैं अपने रूम में आ चुकी थी और मैंने अपने बाल कंघी कर लिए थे। कंघी करने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी, जो भी मुझे तैयार होना था तो मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद और सिंदूर मैंने नहीं लगाया था क्योंकि बिना कुछ मुँह में डाले सिंदूर नहीं लगाया जाता हमारे यहाँ पर। तो आज मैं अपने गैस का थोड़ा एंगल जो भी था वो मैं चेंज कर रही थी क्योंकि उस तरफ से मुझे वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वीडियो साफ नहीं आता था। तो इसीलिए मैंने आज इस साइड गैस का मुँह कर दिया था। तो पहले सबसे पहले हमने दूध चढ़ा दिया था एक तरफ गैस पे गर्म करने के लिए क्योंकि बच्चों को सुबह दूध देना था। और जैसे कि मैंने बता ही रखा है मैं रोज़ लिए दूध नहीं मंगा पाती हूँ, लेकिन मैंने कल शाम को कुछ सामान मंगाया था तो मैंने दूध मंगा लिया था। अम्मा जी गई थी बाज़ार, मैंने भेजा था उनको। और एक तरफ मैंने मूँगफलियाँ थोड़ा ब्राउन करके रोस्ट करके मैंने रख ली, तेल में ही फ्राई कर ली थी क्योंकि मुझे बनाना था पोहा जो कि सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो मैंने पोहे में डाल दिया था सरसों का तड़का, दे दिया था हींग, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का मैं दे दिया था मैंने उसमें। उसके बाद मैंने थोड़े से मीडियम छोटे छोटे साइज़ में आलू काट लिए थे। आपके पास जो कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो जैसे कि मटर, बीन्स, जैसे कि आप बोड़ा कह सकते हैं, और मटर हो गया और शिमला मिर्च हो गई, जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम पे कुछ उतनी सब्ज़ी थी नहीं, सिर्फ आलू थे, प्याज थे और टमाटर था। तो मैंने आलू प्याज टमाटर से ही काम चला लिया। और पोहा काफ़ी ज़्यादा ही हेल्दी होता है और इसमें हमने कटिंग की हुई प्याज जो थी, जो हमने बारीक बारीक प्याज काट रखी थी, वो प्याज भी हमने डाल के आलू के साथ फ्राई कर लिया। और जब प्याज थोड़ी लाल हो गई तो हमने उसमें टमाटर डाल दिए थे, 2 टमाटर मैंने कट करके डाले थे। और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था क्योंकि टमाटर में नमक डालने के ये फ़ायदे रहते हैं कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाता है, तो इसलिए मैंने टमाटर में नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था कि टमाटर अच्छे से गल जाए। जब टमाटर हमारा गल गया है तो मैंने चूल्हे को करीब 10-15 मिनट पहले में ही मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और उसका पानी निकाल दिया था। जैसे छन्नी रखी है तो उसमें छन्नी में से सारा पानी उसका छन जाए, या आप उसको टेढ़ा करके भी रख सकते हैं कि पानी उसका सारा गिर जाए, क्योंकि हमको उसमें भिगाना नहीं है, खाली हल्का सा ऐसा करना है कि वो नरम हो जाए। तो इसलिए खाली धो के ही मैंने पानी छान लिया था और उसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद उसमें पोहा मिला दिया मैंने, और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही हल्दी डालें क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से कड़वापन आ जाता है। अगर आप चाहें तो हर एक चीज़ का मेजरमेंट बैलेंस करने के लिए उसमें 2 चम्मच के करीब आप चीनी पीस के डाल सकते हैं। और इसमें नींबू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि मुझे खट्टे से मेरे दांत काफ़ी कोट हो जाते हैं तो मैं खट्टा नहीं उतना पसंद करती। और बच्चों को उधर मैंने दे दिया था पोहा, बच्चों ने खा लिया, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया। और इधर मैंने और अपने लिए और अम्मा के लिए कॉफ़ी बना ली थी क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन जब हो पाता है, जब भी मैं दूध मंगाती हूँ तो मैं कॉफ़ी की ज़्यादा शौकीन हूँ, मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगती है, मैं पीती हूँ कॉफ़ी। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी और अम्मा के लिए मैंने बाहर भिजवा दी थी कमरे में। तो इधर मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी दोनों लोग, हम लोग नाश्ता हमने कर लिया। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया, जब मैंने कुछ खा लिया तब मैंने सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद इधर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर बड़ी वाली बेटी ने कहा मम्मा आज सब्ज़ी हम छौकेंगे।
तो मैंने भी सोचा कि अगर बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो पहली अध्यापक, पहली गुरु होती है वो माँ ही होती है, जो बच्चों को अच्छे से शिक्षा देती है, हर एक चीज़ की तहजीब सिखाती है। तो अगर उसका मन कर रहा था तो क्यों, मैंने कहा उसमें रोकना टोकना ठीक नहीं है। इसी से बच्चे मोटिवेट होते हैं, देखते हैं कि किस तरह क्या करना चाहिए, कब कैसी परिस्थिति किसके ऊपर कब क्या पड़ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए हर एक चीज़ के लिए बच्चों को किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा अगर करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि तबीयत ही है, अगर कभी हमारी ही ख़राब हो जाएगी तो बच्चे, अगर आता रहेगा बच्चों को तो बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो अभी मैं ठीक थी तो मैंने कहा कि बताना ठीक है, बताया उसको कैसे करना है। तो मुझे दिन के खाने की व्यवस्था करनी थी, तो मैंने दिन में आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनानी थी और चावल बनने थे, क्योंकि इस बारिश में गेहूं नहीं धो पाए थे हम, और गेहूं आटा ख़त्म हो गया था। तो चावल सब्ज़ी का ही ये था कि चावल सब्ज़ी दोपहर में खाने के लिए बन जाएगी, तो चावल तो मैं गरम गरम बना लेती और सब्ज़ी भी इधर मेरी हो रही थी, बेटी ने छौंक दी थी। इधर मेरा डेली का ही या 2-3 दिन बाद का रूटीन कह लीजिए, मुझे डायरी लिखने की आदत है कि मुझे क्या काम करने हैं या क्या काम मैं कर चुकी हूँ। तो ये था सुबेरे 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का मेरा डेली रूटीन। और लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आपको मेरा आज का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तो नमस्कार, बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में।